हाँ जी हैलो स्टूडेंट्स, आज पार्शियल डिफरेंशिएशन का लैक्चर नंबर सैकंड कर जा रहे हैं। आप फर्स्ट लैक्चर के अंदर असी एक तो थोड़ी इंट्रोडक्शन सी पार्शियल डेरिवेटिव की डेफिनेशन समझी, नाल दी नाल असी बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस किए, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किए विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन के नाल किए। हुण अज बहुत सारे होर क्वेश्चन करांगे जो असी डायरेक्ट करांगे डेफिनेशन के नाल नहीं, वो तो कुछ स्टार्टिंग दे साढ़े सम से जिहड़े असी डेफिनेशन दे नाल करने सी। मैं फिर दोबारा दस दवा, जे साढ़े कोई भी फंक्शन आ सपोज करो इस टाइप का इन एक्स वाई, पार्शियल डेरीवेटिव इस तरीके नोट कर लईदा करली जैड बाय करली एक्स। हुण कई डेल्टा भी बोलते हैं, डेल्टा जैड बाय डेल्टा एक्स, मोस्टली इन करली बोलिया जाता, करली जैड बाय करल। देखो ना, करल पै के डी तो डेल्टा बन गया करली, इन उस बोलते हैं करली, करली जैड बाय करली एक्स। चाहे इदा लिख लो, चाहे करली एफ बाय करली इस तरीके लिख लो, चाहे तुसी इस तरीके लिख लो करली एफ बाय करली एक्स फंक्शन एक्स वाई इस तरीके लिख लो, चाहे तुसी इनू इस तरीके लिख लो, चाहे तुसी इस तरीके लिख लो, सारे दा मीनिंग सेम है। कई बार कई इदा भी लिख लेंगे फर्स्ट डेरीवेटिव डी वन। सो बहुत सारिया नोटेशनज आ जिस तरीके असी मर्जी लिख सकते हैं। हुण क्वेश्चन की है साडा जो असी अज करन जा रहे हैं। हाँ जी, क्वेश्चन है साडा इफ एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई फाइंड करली एफ बाय करली एक्स, कहिंदा मीनिंग आ पार्शियल डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू एक्स एफ का फाइंड करना एट टू माइनस वन। ये पॉइंट भी सबस्टिट्यूट करने हैं फ्रॉम डेफिनेशन, पहला कहते डेफिनेशन के नाल करो तो फिर आंसर नू वेरीफाई करो बाय डिफरेंशिएशन रूल। डायरैक्ट असी डिफरेंशिएट करके डायरैक्ट वो भी असी देखांगे कि कितना आंसर आउंदा। हुण सब तो पहला असी डेफिनेशन अप्लाई करांगे। क्वेश्चन की आ एफ एक्स वाई एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई पार्शियल डेरीवेटिव करना विद रिस्पैक्ट टू एक्स, पॉइंट कहता साढ़े कोल टू माइनस वन। डेफिनेशन पढ़ी सी कल, क्योंकि असी विद रिस्पैक्ट टू एक्स करना एच टेंडिंग टू जीरो लिखांगे, जे विद रिस्पैक्ट टू वाई करना तो डेफिनेशन असी के टेंडिंग टू जीरो लिखते हैं। हाँ जी, एफ की सी डेफिनेशन, एक्स कंपोनेंट विच एच ऐड होना टू प्लस एच कोमा माइनस वन, एच ऐड कितने होना एक्स कंपोनेंट दे विच, बाकी एज इट इज़। तो जो पिछे कंपोनेंट आ वो सेम टू माइनस वन, वैल्यू सबस्टिट्यूट कर दोगे लिमिट एच टर्निंग टू जीरो एच। हुण फंक्शन की वैल्यू चैक करिए की बनती है, जिथे एक्स आ उत्थे टू प्लस एच लिखोगे, जिथे वाई आ तुसी माइनस वन लिखोगे। एक्स थान पर की आ गया टू प्लस एच, वाई दे थान पर आ गया माइनस वन, तो की आ जाएगी फंक्शन की वैल्यू टू प्लस एच माइनस ऑफ माइनस वन, माइनस ऑफ माइनस वन ओवर एक्स, एक्स इज टू प्लस एच एंड वाई इज माइनस वन, ये होगी वैल्यू। माइनस इस फंक्शन की वैल्यू चेक करो, इस फंक्शन की जिथे एक्स है उत्थे आना टू माइनस ऑफ माइनस वन, टू माइनस वाई, टू माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, नीचे टू प्लस माइनस वन। सिंपलीफाई करांगे ओवर च की आ एच की सी डेफिनेशन। मैं एक बार रिमाइंड करा दा, जे तुसी एक्स ए बी जे तुहाडे पॉइंट हो डेफिनेशन सी एच टेंडिंग टू जीरो एफ ए प्लस एच बी माइनस एफ ऑफ ए बी ओवर सी एच, ओवर सी एच, ए सी डेफिनेशन जो असी अप्लाई की। सिंपलीफाई करांगे लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो ओवर एच, सिंपलीफाई करोगे ए प्लस वन हो गया, ये आ जाएगा थ्री प्लस एच ओवर, नीचे आ जाएगा वन प्लस एच माइनस टू प्लस वन थ्री, टू माइनस वन वन। एलसीएम लाओगे फर्दर, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एक तो एच पहले ही आ, एक वन प्लस एच आ जाएगा एलसीएम, वन प्लस एच आएगा एलसीएम, थ्री प्लस एच एलसीएम लै रहे हैं जी, वन के नाल मल्टीप्लाई,
माइनस थ्री इंटू वन प्लस एच। फर्दर सिंपलीफाई करिए, फर्दर सिंपलीफाई करांगे, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो अपॉन एच इंटू वन प्लस एच, थ्री प्लस एच, ओके माइनस थ्री, माइनस थ्री एच, थ्री कैंसल आउट हो गए, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो माइनस टू एच अपॉन एच वन प्लस एच, एच कैंसल आउट हो गया, बाकी की बचिया लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो माइनस टू अपॉन वन प्लस एच, एच नू जीरो पुट कर दोगे तो आंसर आ गया माइनस टू अपॉन वन प्लस जीरो, सो आंसर आ गया माइनस टू, इक्वेशन नंबर वन, सो माइनस टू आंसर आ गया। उम्मीद करदा कि तुहानू समझ आ रही होएगी। एक्स वाई माइनस वन, इतने एक्स टू वाई माइनस वन, इस फंक्शन की हैल्प के नाल असी सिंपलीफाई कर लिया, दैन एल टेकिंग एलसीएम, दैन सिंपलीफाई कर लो लिमिट नूं, तो माइनस टू आंसर आ गया। ए सी देखो हर एक क्वेश्चन असी डेफिनेशन दे नाल कर सकते हैं, बट डेफिनेशन असी उदे अप्लाई करांगे जे सानू स्टेटमेंट च कहा गया कि डेफिनेशन दे नाल करो, जां फंक्शन ब्रेक करके दिता होवे उस केस विच असी क्वेश्चन की करना डेफिनेशन दे नाल करांगे, वैसे असी डायरेक्ट ही डिफरेंशिएशन करनी है। हुण अगेन हुण असी डायरेक्ट मैथड लावांगे डिफरेंशिएशन दा, डायरेक्ट विद रिस्पैक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करांगे। इहदा नंबर फस्ट, इहनू कुछ कहन दी जरूरत नहीं, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली, इक्वेशन नंबर फस्ट विद रिस्पैक्ट टू एक्स, विद रिस्पैक्ट टू एक्स करांगे पार्शियल डेरीवेटिव, को की आएगा करली एफ बाय करली एक्स, ओके जू ओवर वी रूल लगेगा, एक्स प्लस वाई स्क्वेयर, एक्स प्लस वाई डिफरेंशिएशन करनी है जी ऊपरले फंक्शन दी एक्स माइनस वाई दी, जू अपॉन वी रूल लगा रहे हैं, एक्स माइनस वाई दैन डिफरेंशिएशन विद रिस्पैक्ट टू एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई। ये मैं समझाने की जरूरत नहीं, जू अपॉन वी रूल तुम्हें पहले डिफरेंशिएशन च आंदा, फर्क की है इतने पार्शियल डेरीवेटिव करना, पहले असी करते सी ऑर्डिनरी डेरीवेटिव, कोई फर्क नहीं, एक्स प्लस वाई, ओके हुण इहदा पार्शियल डेरीवेटिव करना, करना की है विद रिस्पैक्ट टू एक्स करना, जे विद रिस्पैक्ट टू एक्स करना बाकी जिन्ने वेरीएबल तुसी उन्हां नूं एज ए कॉन्सटेंट डील करना, तुसी समझ लेना कि वाई की है कॉन्सटेंट आ, ओके हुण एक्स नूं डिफरेंशिएट करोगे किन्ना आंसर आ गया वन, क्योंकि विद रिस्पैक्ट टू एक्स करना, वाई नूं तुसी समझिया होया कॉन्सटेंट, तो कॉन्सटेंट का डेरीवेटिव हुंदा जीरो, माइनस एक्स प्लस वाई इंटू, फिर तुसी विद रिस्पैक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन करनी है, एक्स का हो गया वन, तो वाई नूं तुसी समझिया होया कॉन्सटेंट, वह हो गया जीरो, सिंपलीफाई करोगे, सिंपलीफाई करोगे तो आंसर आ गया एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई स्क्वेयर, एक्स हो गए कैंसल आउट, कुछ गड़बड़ होगी, कुछ गड़बड़ होगी, एक्स ना डिफरेंशिएट करते पे हैं, वन 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 वन, हाँ इतने एक्स माइनस वाई सी, एक्स माइनस वाई सी, इतने जो एक्स माइनस वाई सी तो इतने हो गया प्लस वाई, सो ये मेरे को आ चुका टू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वेयर, इन्ना आ चुका विद रिस्पैक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन की इन्नी आई, बट पॉइंट भी पुट करना जो असी डेफिनेशन किया ना उत्थे तां डायरेक्ट ही हो जाता नाल ही पॉइंट भी सबसट्यूट हो जाता, इत्थे असी बाद विच वो पॉइंट सबसट्यूट कर जा रहे हैं। आ देखो इस तरीके करांगे एट किहड़ा पॉइंट है साढ़े कोल टू माइनस वन, कहिंदा मीनिंग आ जो भी आंसर आया इस पार्शियल डेरीवेटिव का जिथे एक्स है उत्थे टू पुट करोगे, जिथे वाई है उत्थे माइनस वन सबसट्यूट करोगे, सो की सी मेरे कोल टू इन टू वाई, वाई की वैल्यू की है माइनस वन, ओके माइनस वन ओवर एक्स किन्ना टू ओवर की आ जाएगा माइनस वन स्क्वेयर,
माइनस टू अपॉन वन स्केयर वन, सो माइनस टू। देखो जे असी डायरैक्ट किया तो भी आंसर माइनस टू आया, जे असी डेफिनेशन के नाल किया उत्थे भी आंसर माइनस टू आया। सो चाहे तुसी डेफिनेशन लगा लो चाहे तुसी डायरैक्ट डिफरेंशिएशन कर लो आंसर सेम आता। सो ये असी वेरीफाई करना सी, वेरीफाई हो चुके हैं। हुण असी करांगे नैक्सट क्वेश्चन। हाँ जी हुण असी करन जा रहे हैं नैक्सट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स। सोल्यूशन गिवन है जी एफ एक्स वाई, एफ एक्स वाई अंडर रूट एक्स फोर वाई फोर प्लस वन। पार्शियल डेरीवेटिव करना विद रिस्पैक्ट टू एक्स, तो पॉइंट पुट करने हैं वन टू। असी डेफिनेशन के नाल नहीं करांगे, डेफिनेशन उदे अप्लाई करांगे जे सानू मैंशन किया होएगा। असी करांगे डायरैक्ट ही डिफरेंशिएशन करांगे विद रिस्पैक्ट टू एक्स, विद रिस्पैक्ट टू एक्स असी डिफरेंशिएशन करांगे। हुण तुहानूं पता होना कि अंडर रूट की डिफरेंशिएशन डायरैक्ट किस तरीके करी दी है, नीचे टू लगा के अंडर रूट इनटू अंदरले फंक्शन का विद रिस्पैक्ट टू एक्स कर रहे असी, तो विद रिस्पैक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन करांगे। जे तुहानूं नहीं याद तो मैं याद करा देना कि तुसी जे तुहाडे कोल वाई सपोज करो इस तरीके का सपोज करो तो उसका डेरीवेटिव की सी, डेरीवेटिव की सी साढ़े कोल वन अपॉन टू अंडर रूट सेम एफ एक्स इनटू एफ डैश एक्स शॉर्टकट। वैसे की कर सकते हैं पावर वन बाय टू आ, तो एक्स रेस टू पावर एन हो एन एक्स एन माइनस वन फार्मूला लगाओगे सिंपलीफाई करके तुहाडे कोल यही बनना। सो डायरैक्ट जो भी अंडर रूट हो इस तरीके डिफरेंशिएशन करते हैं। सो नीचे टू लिख के सेम अंडर रूट लिख दिता, फिर अंदर जो भी फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पैक्ट टू एक्स करना नैक्सट स्टैप के अंदर। सो वो आ जाना टू अंडर रूट एक्स फोर वाई फोर प्लस वन। एक्स फोर का जगह फोर एक्स क्यूब विद रिस्पैक्ट टू एक्स करते पे हैं, ये याद रखना। सो वाई की है फिर जीरो, वाई की है कॉन्सटेंट वह डिफरेंशिएशन जीरो, वन भी कॉन्सटेंट वह भी डिफरेंशिएशन जीरो। विद रिस्पैक्ट टू एक्स करते पे पार्शियलिटी करनी एक्स दे नाल ही करना, बाकी सारे कॉन्सटेंट समझना उन्हों का हो गया जीरो, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा इतने आ जाएगा टू। सो मैनू मिल गया जी टू एक्स क्यूब ओवर अंडर रूट एक्स फोर वाई फोर प्लस वन। पॉइंट केड़ा सबस्टिट्यूट करना वन टू। सो पार्शियल डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू एक्स एट पॉइंट वन टू की आ जाएगा, एक्स वन भरो वाई टू भरो, एक्स नू वन भरोगे इतने वन आ जाएगा, वाई नू एक्स नू वन करोगे इतने वन आ जाना, टू भरोगे टू की पावर फोर हो जाना सिक्सटीन प्लस वन। तो यह सिंपलीफाई करके आ गया टू अपॉन अंडर रूट एटीन, तो एटीन असी लिख सकते हैं, एटीन तुसी लिख सकते हैं टू अपॉन थ्री अंडर रूट टू। सो ये साडा आंसर है, चाहे तुसी इनू इस तरीके लिख लो अंडर रूट टू अपॉन थ्री, इस तरीके भी लिखा जा सकता जे तुसी अंडर टू ना मल्टीप्लाई कर दो अंडर टू दे नाल डिवाइड कर दो तो वो इस तरीके भी आंसर आ जाएगा। मैं चेक कर लेना कि आंसर सही है, बिल्कुल सही है जी। इदे ही असी हुण वाई दे नाल डिफरेंशिएशन करांगे। हुण सपोज करो तुसी वाई दे नाल डिफरेंशिएशन करनी है बिल्कुल सेम, तुसी कह सकते सी सर रहन दो अपने आप कर दो, हुण विद अपने आप कर लांगे तुसी कह सकते हैं, बट चलो हो सकता तुसी कह ही रहे हो कि मैनूं सुनाई नहीं दे रहा। हाँ जी करिए तो की आ जाएगा वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स फोर वाई फोर प्लस वन इंटू पार्शियल डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू वाई। हुण विद रिस्पैक्ट टू वाई करना, ओके हुण की करना विद रिस्पैक्ट टू वाई, तो तुसी की कहना जे वाई करना तो बाकी सारे वेरिएबल कॉन्सटेंट, एक्स की आ कॉन्सटेंट सो वह हो गया जीरो, वाई का करांगे फोर वाई क्यूब, वन भी की है जीरो, सो टू दे नाल कैंसल आउट होके टू वाई क्यूब अपॉन एक्स फोर वाई फोर प्लस वन। सो हुण असी
पॉइंट सबस्टिट्यूट करांगे वन ते टू, टू इंटू टू क्यूब ओवर वन प्लस सिक्सटीन प्लस वन, सिंपलीफाई करिए सिक्सटीन ओवर अंडर रूट एटीन, सिक्सटीन ओवर थ्री अंडर रूट टू, इनू तुसी रैशनलाइज कर दियो तो ताड़ा आंसर आ जाएगा। रैशनलाइज क्यों करना, नीचे कदे भी ना तो उल्टा रहन देना ना ही कोई स्केयर रूट टर्म रहन दई दी आ, हमेशा उन्हों उपर हमेशा एस फॉर्म च ही लिखना, ओवर च नहीं रहन देना। जो भी ओवर च आए अंडर रूट टू आए अंडर रूट थ्री आए कोई भी स्केयर रूट वाली टर्म आती है तो तुसी उन्हों रैशनलाइज करके उपर लै जाना। जे कंपलैक्स नंबर भी आ इओटा नीचे आता उन्होंने भी तुम्हें रैशनलाइज करके उपर लाना होंगे। हाँ जी हूँ असी करांगे नैक्सट क्वेश्चन, इस तरीके दे नाल असी जिहड़े पार्शियल डेरीवेटिव करने हैं। नैक्सट क्वेश्चन, हाँ जी ये है जी साडा नैक्सट क्वेश्चन सैवंथ का फस्ट पार्ट, एफ एक्स गिवन है विद रिस्पैक्ट टू एक्स विद रिस्पैक्ट टू वाई डिफरेंशिएशन करनी है। सोल्यूशन एफ एक्स कितना गिवन, साइन इनवर्स एक्स अपॉन वाई, पहले पार्टीशन कर लिए एक बन्ने करांगे एक्स दे नाल एक बन्ने कर लांगे वाई दे नाल। हुण क्वेश्चन ये पैदा होंदा कि तुहानूं याद आ कि जे वाई साइन इनवर्स एक्स आ तो उहदा डेरीवेटिव की सी, उहदा डेरीवेटिव सी वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स। सो केयर पिछले फार्मूले डिफरेंशिएशन दे तुहानूं याद होने चाहिए है, ये सी साइन इनवर्स एक्स का। इहदा असीं हुण पार्शियल डेरीवेटिव करना विद रिस्पैक्ट टू एक्स, पहले पार्शियल डेरीवेटिव करांगे फिर असी पॉइंट पुट करांगे। हाँ जी की आएगा साइन इनवर्स का की है, मैं हुणे दस के हटिया अंडर रूट, इनिशियल स्टैप तो सेम ही है एक्स अपॉन वाई स्क्वायर। फिर की करना होंदा अंदर जो फंक्शन होंदा उहदा भी डिफरेंशिएशन करना, एक्स अपॉन वाई का पार्शियल डेरीवेटिव करांगे इन टू पार्शियल डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू एक्स। एक्स देखो ये फंक्शन है वन अपॉन वन माइनस एक्स स्केयर टाइप होगी, ये वाला फार्मूला यूज करके डिफरेंशिएशन का, इनटू जो इनसाइड आ अंदरला फंक्शन है वह असी डिफरेंशिएशन करांगे विद रिस्पैक्ट टू एक्स। वो बड़े ध्यान दे नाल करना, थोड़ा सिंपलीफाई कर लगे इतने आप सिंपलीफाई करांगे एक्स स्केयर ओवर वाई स्केयर हो गया एलसीएम माइनस एक्स स्केयर ओवर च की आना वाई स्क्वायर इन टू हुण विद रिस्पैक्ट टू एक्स करना डिफरेंशिएशन, तो वाई की आ कॉन्सटेंट, वाई की आ कॉन्सटेंट, फिर बोलो वाई की आ कॉन्सटेंट। सो कॉन्सटेंट तो बाहर आ गया, कि डिफरेंशिएशन करना असी सिर्फ एक्स का, तो एक्स डिफरेंशिएशन की होंगे वन, वन ओवर वाई कॉन्सटेंट, एक्स का डिफरेंशिएशन वन वाई कॉन्सटेंट। यही नहीं कहना इदा नहीं करना कि एक्स का वन वाई का जीरो कॉन्सटेंट, इदा नहीं करना वन ओवर वाई तो एक्स का डिफरेंशिएशन वन कॉन्सटेंट टर्म। जिस तरीके टू एक्स का डेरीवेटिव की होंगे टू एज इट इज़ एक्स का वन, बिल्कुल इदा ही वन ओवर वाई एज इट इज़ कॉन्सटेंट आ एक्स का डिफरेंशिएशन वन, तो यह की आ जाएगा ये अंडर रूट च वाई स्केयर, ये की हो जाएगा वाई अपॉन अंडर रूट वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर इन टू वन अपॉन वाई, ये कैंसल आउट हो गया तो कितना आंसर मिल गया वन अपॉन अंडर रूट वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर। ओके फर्दर पॉइंट पुट करना जीरो वन, पॉइंट पुट करना जीरो वन, जिथे एक्स है जीरो पुट करोगे, जिथे वाई आ उथे वन पुट करोगे तो आंसर आ गया वन। हुण विद रिस्पैक्ट टू वाई करांगे, विद रिस्पैक्ट टू वाई करांगे डिफरेंशिएटिंग लिख भी सकते, पहला इत्थे लिख सकते असी डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पैक्ट टू एक्स, इत्थे डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पैक्ट टू वाई। इस तरीके हुण असी वाई दे नाल डिफरेंशिएट करना, साइन इनवर्स का वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्केयर, पूरी ब्रैकेट नूं मैं एक्स कह रहा इनटू अंदरले फंक्शन का डेरीवेटिव एक्स अपॉन वाई का डिफरेंशिएशन पार्शियल, करली पाई हुई मैं डी नहीं पा रहा,
डी करल पा दिता करली इन बोलते हैं करली करली। हाँ जी सिंपलीफाई कर लिए फिर एलसीएम लोगे आ गया साढ़े को वाई अपॉन अंडर रूट वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर। हाँ जी हूँ करना सी विद रिस्पैक्ट टू वाई एक्स की है फिर तुम कहोगे सर कॉन्सटेंट उन्होंने कर लिया बार कि डिफरेंशिएशन होएगा डिफरेंशिएशन होएगा कि वन अपॉन वाई का तो वन अपॉन वाई का डिफरेंशिएशन की होंगे माइनस वन अपॉन वाई स्केयर वन अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन सी माइनस वन अपॉन एक्स स्केयर इदा ही जे विद रिस्पैक्ट टू वाई करते पे हैं तो वन अपॉन वाई का माइनस वन अपॉन वाई स्केयर एक्स का कॉन्सटेंट है उन्होंने बाहर रख लिया एक्स का कॉन्सटेंट सी उन्होंने कर लिया बाहर एक वाई पावर कैंसल आउट हो गई सो आंसर आ गया माइनस एक्स वाई ओवर एक वाई कैंसल आउट हो गई इस तरीके आ गया आंसर वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर माइनस एक्स अपॉन वाई इदा आ गया। हुण पॉइंट पुट करना एक्स जीरो वाई वन एक्स जीरो पुट करोगे तो वाई नू वन करोगे जीरो ओवर समथिंग जीरो सो इदा आंसर आ चुके आ जीरो आंसर मैच कर लिया जाए। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल जीरो। हुण असी करांगे नैक्सट क्वेश्चन ये दो पार्ट आ मैं फस्ट पार्ट करवा दिता सैकेंड पार्ट तुम अपने आप करोगे जो कोई क्वेश्चन नहीं होंगे तो कमेंट बॉक्स में भी दस सकते हैं ज मैं मेरे वट्सअप नंबर पर भी तुम मैसेज करके दस सकते हैं कॉल भी कर सकते हैं नो प्रॉब्लम एनी टाइम जो मर्जी मैसेज करके तुम कोई भी क्वेश्चन पूछो जो नहीं निकलता मैं सॉल्व करके भी सेंड करूँगा तुम हूँ करांगे नैक्सट क्वेश्चन। हाँ जी हुण असीं क्वेश्चन करन जा रहे हैं नाइन्थ बाकी सारे सेम है तुसीं अपने आप करोगे मैं उम्मीद है कि तुहानूं समझ आ रही है लाइक बटन जरूर प्रेस करो थैंक यू करो सारे करो जिन्हें मेरे वीडियो देख रहे हैं सारे लाइक वाला बटन प्रेस करो ये मैं कॉन्फिडेंस मिलता कि मेरी वीडियो लाइक हो रही है जे चैनल नहीं सबसक्राइब किया तो चैनल भी सबसक्राइब कर दो थैंक यू। हाँ एक चीज़ मैं होर दसना चाहना फस्ट चैप्टर लिमिट एंड कॉन्टीन्यूटी लिमिट एंड कॉन्टीन्यूटी मैं करवा चुके हूँ पहले ऑफ फंक्शंस लिमिट एंड कॉन्टीन्यूटी ऑफ फंक्शंस ये चैप्टर करवा चुके हैं सत या अठ वीडियोज़ होनगियां वो प्लेलिस्ट विच पई है तुसीं देख सकते हैं वो प्लेलिस्ट विच तुहानूं मिल जाएगी प्लेलिस्ट मिल जाएगी तुसीं प्लेलिस्ट मेरी देखियो सो लाइक जरूर करियो कमेंट भी करे करो नाल दी नाल जे कोई प्रॉब्लम आती है तो मैसेज भी करो। हाँ जी फरदर हुण पार्टीशन कर लीए फिर। हाँ जी सोलूशन एफ एक्स वाई जैड गिवन है देखो इतने तीन वेरिएबल है साढ़े को एक एक्स एक वाई तो एक जैड एक्स क्यूब टू एक्स वाई वाई क्यूब मे बी स्केयर है चैक कर लीए स्टेटमेंट स्केयर जैड स्केयर जैड स्केयर तो करना की आ एफ विद रिस्पैक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन करना पॉइंट जीरो 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 इदा ही वाई दे नाल डिफरेंशिएशन करना तो करांगे सब तो पहला असी एफ डिफरेंशिएशन करांगे विद रिस्पैक्ट टू एक्स साइन की डिफरेंशिएशन की होंगी है कॉस एक्स क्यूब टू एक्स वाई प्लस जैड स्केयर इनटू अंदरले फंक्शन की डिफरेंशिएशन विद रिस्पैक्ट टू एक्स वो ए है फंक्शन टू एक्स वाई प्लस जैड स्केयर जैड स्केयर साइन का डिफरेंशिएशन ये सारी नू एक्स मनो साइन एक्स की होगी कॉस एक्स डिफरेंशिएशन इनटू जो इनसाइड फंक्शन है उन्होंने असी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पैक्ट टू एक्स करांगे कॉस एक्स क्यूब टू एक्स वाई जैड स्केयर विद रिस्पैक्ट टू एक्स करनी है जी डिफरेंशिएशन विद रिस्पैक्ट टू एक्स करनी डिफरेंशिएशन एक्स का हो गया थ्री एक्स स्केयर हुण टू एक्स वाई विद रिस्पैक्ट टू एक्स करनी है वाई भी कॉन्सटेंट जैड भी कॉन्सटेंट
सो टू वाई तो कॉन्सटेंट आ, उन्हों एज इट इज़ लिख दो। एक्स की डिफरेंशिएशन की आ गई वन, जेड की डिफरेंशिएशन आ गई जीरो, क्योंकि विद रिस्पैक्ट टू एक्स करते पे हैं, वाई भी कॉन्सटेंट जेड भी कॉन्सटेंट। सो हुण आंसर की आ गया मेरे को, थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस टू वाई कॉस एक्स क्यूब टू एक्स वाई प्लस जेड स्क्वेयर। पॉइंट सबस्टिट्यूट करना असी कि जीरो जीरो जीरो, जिथे एक्स है उत्थे भी जीरो पुट करोगे, जिथे वाई आ उत्थे भी जीरो पुट करोगे। सो एक्स जीरो वाई जीरो कॉस ए भी हो जाएगा जीरो, कॉस जीरो वन जीरो इंटू समथिंग जीरो, सो आंसर आ गया जीरो। इस तरीके असी वाई दे नाल भी डिफरेंशिएशन करांगे, इस तरीके असी वाई दे नाल भी डिफरेंशिएशन करांगे। बहुत सिंपल आ, वाई दे नाल करो, वाई दे नाल करोगे अगेन कॉस एक्स क्यूब टू एक्स वाई प्लस जेड स्केयर इंटू वाई दे नाल डिफरेंशिएशन करनी इस अंदरले फंक्शन दी वाई दे नाल। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन की हुंदा थ्री एक्स स्केयर, वाई दे नाल करनी है टू, बिल्कुल रोंग। चलो पहले कॉस लिख लो, एक्स क्यूब टू एक्स वाई जेड स्केयर इंटू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन, थ्री एक्स स्केयर नहीं हुंदा, विद रिस्पैक्ट टू वाई करते हैं, एक्स कॉन्सटेंट, सो कॉन्सटेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। हाँ जी, टू एक्स कॉन्सटेंट, क्योंकि असी विद रिस्पैक्ट टू वाई करते पे डिफरेंशिएशन, सो वाई का डिफरेंशिएशन वन, जेड का डिफरेंशिएशन जीरो क्योंकि कॉन्सटेंट आ। सो उहदा आंसर आ गया टू एक्स कॉस एक्स क्यूब टू एक्स वाई प्लस जेड स्क्वेयर। सो जो तुसी पॉइंट पुट करना एक्स भी जीरो वाई भी जीरो जेड भी जीरो, तो आंसर आ जाना जीरो, कॉस जीरो वन, जीरो इंटू वन आंसर आ जाएगा जीरो। हुण असी करांगे नैक्सट क्वेश्चन। हाँ जी, ट्वेल्थ क्वेश्चन का फस्ट पार्ट देख लो, फाइंड पार्शियल डेरीवेटिव ऑफ फस्ट ऑर्डर, जेड गिवन आ साइन एक्स स्केयर वाई स्केयर, एक्स स्केयर वाई स्केयर, फस्ट ऑर्डर के डेरीवेटिव फाइंड करने हैं, मतलब जिन्हें भी पॉसीबल हो गए सारे करने हैं। सब तो पहले की करांगे इस इक्वेशन सॉरी डिफरेंशिएटिंग पार्शियली, डिफरेंशिएटिंग फस्ट इक्वेशन नंबर फस्ट पार्शियली विद रिस्पैक्ट टू एक्स करोगे। की लिखते होंगे असी, करली जेड बाय करली एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स स्केयर वाई स्केयर इंटू पार्शियल डेरीवेटिव ऑफ एक्स स्केयर वाई स्केयर। सो कॉस एक्स स्केयर वाई स्केयर इंटू, हाँ जी, हुण विद रिस्पैक्ट टू एक्स करना तो वाई की है कॉन्सटेंट, तो मल्टीप्लाई च होने करके वाई स्केयर असी रख लाँगे बाहर, एक्स स्केयर डिफरेंशिएशन करांगे, एक्स स्केयर की डिफरेंशिएशन आ गई टू एक्स। सो मेरा आंसर आ चुका टू एक्स वाई स्केयर कॉस एक्स स्केयर वाई स्केयर। हुण असी करांगे वाई दे नाल डिफरेंशिएशन, वाई दे नाल करोगे फिर की आ जाएगा साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स स्केयर वाई स्केयर इंटू। हुण असी फरदर वाई दे नाल डिफरेंशिएशन करनी है अंतरले फंक्शन कॉस एक्स स्केयर वाई स्केयर इंटू। हाँ जी, हुण असी करनी है वाई दे विद रिस्पैक्ट टू वाई, एक्स स्केयर की है कॉन्सटेंट, ये आ जाएगा बार ब्रैकट दे, कि डिफरेंशिएशन होनी है वाई स्केयर की, वाई स्केयर की डिफरेंशिएशन विद रिस्पैक्ट टू वाई टू वाई। सो मेरा आंसर आ गया टू एक्स स्केयर वाई कॉस एक्स स्केयर वाई स्केयर। सो इस तरीके असी जी पार्शियल डिफरेंशिएशन करनी है, जे विद रिस्पैक्ट टू एक्स करनी है तो वाई नू कॉन्सटेंट मान लेना, जे विद रिस्पैक्ट टू वाई करनी है तो एक्स नू
कॉन्सटेंट सपोज कर लेना। हुण नैक्सट क्वेश्चन करिए, नैक्सट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 13। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन है जी, जैड इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन वाई शो करना ए आंसर जीरो आता। बहुत सिंपल है, की करांगे सब तो पहला असी एक्स विद रिस्पैक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन करांगे। हुण एफ का डिफरेंशिएशन की होएगा, एफ का डिफरेंशिएशन होएगा एफ डैश एक्स अपॉन वाई इनटू अंदरले फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पैक्ट टू एक्स। ये असी हुण करन दी कोशिश करते हैं, एफ डैश एक्स अपॉन वाई इनटू हुण विद रिस्पैक्ट टू एक्स करना, वन अपॉन वाई तो हो गया कॉन्सटेंट क्योंकि विद रिस्पैक्ट टू एक्स करना तो एक्स का डिफरेंशिएशन वन। सो नैक्सट स्टैप करली जड बाय करली एक्स फाइंड किया, नाल ही एक्स ना मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय एक्स, मल्टीप्लाई बाय एक्स वो आ जाएगा एक्स करली जड बाय करली एक्स वो करोगे तो आ जाएगा तुहाडे कोल एक्स अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई एफ डैश एक्स अपॉन वाई। यदा इक्वेशन नंबर असी लिख लें फर्स्ट अगेन डिफरेंशिएशन पार्शियली किनू करना, इस इक्वेशन नू जो गिवन है स्टार स्टार नू डिफरेंशिएट पार्शियली डिफरेंशिएशन इक्वेशन नंबर स्टार पार्शियली विद रिस्पैक्ट टू वाई स्टार नंबर इक्वेशन असी डिफरेंशिएट करना वो आ जाएगा करली जेड वाई करली वाई एफ दा हो गया एफ डैश एक्स अपॉन वाई इनटू अंदरले फंक्शन दा डिफरेंशिएशन ओके विद रिस्पैक्ट टू वाई करते पे असी। बड़े ध्यान ना समझना, एफ डैश एक्स अपॉन वाई इनटू विद रिस्पैक्ट टू वाई करना, एक्स की हो गया कॉन्सटेंट, बाकी की बचिया वन अपॉन वाई, वन अपॉन वाई का डिफरेंशिएशन की आएगा माइनस वन अपॉन वाई स्क्वेयर। जो एक्स कॉमन कर लोगे बाहर वन अपॉन वाई बचिया तो वन अपॉन वाई का डिफरेंशिएशन माइनस वन अपॉन वाई स्क्वेयर। हुण ये नाल आना चाहिए वाई, सो इस स्टैप नू की करोगे मल्टीप्लाई कर दोगे बाय वाई वो आ जाएगा वाई करली जेड बाय करली वाई। इधर मल्टीप्लाई हो गया लैफ्ट साइड पर, इतने की आ जाएगा जो वाई ना मल्टीप्लाई करोगे इतने वाई ना एक वाई कैंसल होगी तो इतने आ जाना माइनस एक्स अपॉन वाई एफ डैश एक्स अपॉन वाई। इस स्टैप पर पहुँच गए, इधर मैं नंबर पा देना टू, इक्वेशन नंबर पा देना टू। सो नैक्सट की करो वन प्लस सैकेंड इंप्लाइज इन दो इक्वेशन नू ऐड कर दोगे, फर्स्ट प्लस सैकेंड की आ जाएगा एक्स करली जड बाय करली एक्स प्लस वाई करली जड बाय करली वाई। तुसी की देखते हैं वो आ जाएगा एफ डैश एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स अपॉन वाई एफ डैश एक्स अपॉन वाई कैंसल आउट हो गया आपस में, आंसर आ गया जीरो। सो यही मैं शो करना सी कि आंसर जीरो आता। हुण असी करांगे नैक्सट क्वेश्चन, अज का असी लास्ट क्वेश्चन कर जा रहे हैं 13 का फोर्थ पार्ट। 13 के काफ़ी सारे पार्ट आ, तुसी आप कर सकते हैं, मैं ये दो पार्ट करवाए, फस्ट एंड फोर्थ पार्ट करवा जा रहा। हुण एक गिवन आ, मैं थोड़ा जहा सिंपलीफाई करके इस स्टैप नू लिख सकदा, थोड़ा ईजी हो जाएगा करना ताड़े लिए। लॉग एम अपॉन एन, लॉग एम अपॉन एन इज इक्वल टू लॉग एम माइनस लॉग एन, वो मैं अच्छे रिजल्ट यूज़ कर लाँ, ये वाला रिजल्ट जो मैं यूज़ कर लाँ लॉग एम माइनस लॉग एन तो ईजी हो जाएगा क्वेश्चन की आ जाएगा मेरे को लॉग वाई माइनस लॉग ऑफ एक्स। ये मैं रिजल्ट अप्लाई किया। हाँ जी हुण मैं की करा, पहले एक्स ना डिफरेंशिएट एक्स ना मल्टीप्लाई, वाई ना डिफरेंशिएट वाई ना मल्टीप्लाई, उस स्टैप असी करांगे अगेन डिफरेंशिएटिंग पार्शियली। फिर असी इहदा नाम की रख देंगे स्टार, की करांगे डिफरेंशिएटिंग स्टार बट किवें पार्शियली विद रिस्पैक्ट टू एक्स करांगे। पहले वो की आ जाएगा करली जेड बाय करली एक्स, एक्स दे नाल करना की करना सी एक्स दे नाल। हुण एक्स फस्ट फंक्शन च वी आ, एक्स इस ब्रैकट विच इस सैकेंड फंक्शन च वी आ, सो जू इन टू वी रूल अप्लाई करांगे। फस्ट फंक्शन
ओके सेकंड दा डिफरेंशिएशन मतलब इस सब्जेक्ट दा डिफरेंशिएशन इस सब्जेक्ट दा डिफरेंशिएशन जे ना समझ लगे तो पहले आपां इदां लिख लैंदे आ पार्शियल डेरिवेटिव लॉग वाई माइनस लॉग एक्स फर्स्ट टर्म सेकंड दा डेरिवेटिव प्लस सेकंड टर्म द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म विच इज़ एक्स रेस टू पावर एन की आ जाएगा एक्स रेस टू पावर एन लॉग वाई का जीरो क्योंकि विद रिस्पैक्ट टू एक्स करते पे हैं लॉग एक्स का आ गया वन अपॉन एक्स प्लस लॉग वाई माइनस लॉग एक्स एज इट इज़ एक्स की पावर एन का हो गया एन एक्स एन माइनस वन ये एक्स माइनस हो गई ऊपर जाके ये की आ गया एक्स एन माइनस वन प्लस लॉग वाई माइनस लॉग एक्स एन चाहे अगले बने लिख लो ये भी की हो गया एक्स एन माइनस वन अगला स्टेप की है मल्टीप्लाई बाय एक्स करो करली जेड बाय करली एक्स नू एक्स ना मल्टीप्लाई करता इतने फिर हो जाएगा एक्स की पावर एन एन लॉग वाई माइनस लॉग एक्स इतने भी आ जाएगा एक्स की पावर एन यदा नंबर हो गया फस्ट इदा ही हुण असीं वाई ना डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करांगे वाई दे नाल हुण असीं वाई ना डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करांगे वाई दे नाल लो जी हुण डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर स्टार पार्शियली विद रिस्पैक्ट टू वाई स्टार नंबर इक्वेशन नूं हुण असीं वाई दे नाल डिफरेंशिएट करना तुसीं कहोगे सर काम सौखा हो गया एक्स की पावर एन तो कॉन्सटेंट आ उन्होंने असी एज इट इज़ लिख देंगे मैं कहूँगा बिल्कुल चलो इदा ही कर लें हूँ असी लॉग वाई ओवर एक्स का करना तो तुम याद होना सॉरी इतने यदा कर रहे हैं असी लॉग वाई का कि आ जाएगा क्योंकि वाई के नाल करते पे हैं वन अपॉन वाई लॉग एक्स का कि आ जाएगा तुम डायरैक्ट ही कह देना जीरो क्योंकि असी विद रिस्पैक्ट टू वाई करते पे हैं ये भी कॉन्सटेंट बस लॉग वाई का वन अपॉन वाई तो की करना मल्टीप्लाई बाय वाई सो करली जेड बाय करली वाई की आ गया एक्स रेस टू पावर एन एक्स रेस टू पावर एन आ गया हाँ जी हुण ऐड करांगे ये हो गया इक्वेशन नंबर सैकेंड सो एक्स की करिए फर्स्ट इक्वेशन प्लस सैकेंड इक्वेशन इंप्लाइज एक्स करली जेड बाय करली एक्स वाई करली जेड बाय करली वाई की आ गया एक्स रेस टू पावर एन प्लस एन ये टर्म बड़े ध्यान ना समझो असी प्लस करना असी प्लस करना एन लॉग वाई माइनस लॉग एक्स एक्स रेस टू पावर एन प्लस करना एक्स रेस टू पावर एन एक्स रेस टू पावर एन ये आ गया साढ़े कोल ओके इस स्टेप ते असी हाँ इतने माइनस सी इतने माइनस आना सी जो असी आ स्टैप किया इतने आना सी माइनस यही मैं देख रहा कि गलती इतने माइनस आना सी माइनस इतने आ गया माइनस सो आ स्टैप ये कैंसल आउट हो गया बाकी की बचा एन इंटू लॉग वाई माइनस लॉग एक्स इंटू एक्स की पावर एन इन पूरे हम देखो एनी टर्म में ये तो यही सेम है जो इतने लिखी हुई है विच इज़ जैड सो आंसर की आ गया एन जैड बाय इक्वेशन नंबर बाय इक्वेशन नंबर चलो कैपिटल ए यदि मैं इक्वेशन कैपिटल ए कह दिना तो बड़े ध्यान ना देखो ये जेड दे को लिया सो ये जेड आ गया सो एन जेड यही मैं शो करना सी एन जेड सो लैफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड सो बहुत सारे क्वेश्चन हो रहे जो असी करने हैं वो असी हुण अपने लैक्चर नंबर थर्ड करांगे मैं फिर रिपीट करदा कि लैक्चर
लैक्चर नंबर सैकेंड तो पहला तुसी लैक्चर नंबर पहला देखोगे, पहला जो फस्ट लैक्चर कराया, जिन्हां नूं ये डेफिनेशन नहीं क्लीयर कि डेफिनेशन किस तरीके अप्लाई करी दी है, लिमिट कॉन्टीन्यूटी वाला चैप्टर एक बार जरूर देखण। वो एक प्लेलिस्ट पई हुई है, प्लेलिस्ट तुसी जदों प्लेलिस्ट जाओगे उत्थे लिमिट एंड कॉन्टीन्यूटी ऑफ फंक्शंस ये प्लेलिस्ट पई हुई है, तुसी वो जरूर देखियो एक बार। वो चैप्टर करन तो बाद फिर ये वाला चैप्टर तुसी स्टार्ट करोगे तो मच बैटर होएगा। थैंक यू।